इस वीडियो में हम लोग आपको V8 पेन कैसे यूज़ करना है वो डिटेल में बताएंगे, उसमें ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे बनेगी वो हम लोग आपको इसमें बताएंगे। तो ये V8 पेन की पेन है, इसको जब आपको ये पेन मिलेगा सबसे पहले आपने इसको चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए आपको इस पेन के साथ ये एक USB केबल दी गई है जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज आपने इसको 1 से 1.5 घंटा करना है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं करना क्योंकि इतने में ये फुल चार्ज हो जाता है 1 से 1.5 घंटा। तो ये वायर है, ये नीचे से ऐसे पकड़ के आप इसे घुमाएंगे उल्टा तो ये खुल जाएगा। यहाँ ये चार्जिंग वाला स्लॉट दिया हुआ है, चार्जिंग वाला पॉइंट है, और इसके साथ ये मेमोरी कार्ड वाला पॉइंट है। मेमोरी कार्ड इसमें आप 16 GB 32 GB यूज़ कर सकते हैं, क्लास 4 का ब्लैक कलर वाला जो मेमोरी कार्ड होता है, रेड कलर का नहीं, जो ब्लैक कलर का मेमोरी कार्ड होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और जब आप चार्ज करेंगे इस केबल को आपने प्रॉपर ऐसे लगाना है, लगाने के बाद इसको जो ये वाला पॉइंट है आप अपने फ़ोन का जो भी चार्जर हो, USB चार्जर, आपके मोबाइल के चार्जर को इसके साथ इस्तेमाल करके आप इसको चार्ज कर सकते हैं। जब चार्ज करेंगे तो यहाँ नीचे ये जो पॉइंट दिया हुआ है बैक साइड पर, पीछे की तरफ ये पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर पहले ब्लू लाइट आएगी 1 सेकंड के लिए, उसके बाद वो लाइट जो है वो रेड कलर में, लाल कलर में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले ब्लू लाइट आएगी 1 सेकंड के लिए, फिर लाल लाइट आ जाएगी। जब तक वो रेड कलर की लाइट यहाँ पर रहेगी तो ये चार्ज हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर 1-1.5 घंटे के बाद आप चेक करेंगे, यहाँ पर रेड और ब्लू दोनों लाइट मिक्स होकर आएंगी तो फुल चार्ज हो गया। रेड और ब्लू लाइट दोनों मिक्स होकर आएंगी यहाँ पर कलर इसके अंदर तो वो फुल चार्ज हो गया। जब चार्जिंग हो रहा है तब यहाँ पर रेड लाइट रहेगी, पहले 1 सेकंड के लिए ब्लू लाइट आएगी, फिर चार्जिंग के दौरान वो रेड में रहेगी, फुल चार्ज होने के बाद रेड और ब्लू कलर दोनों आ जाएंगे। तो इस तरीके से चार्ज हो जाएगा। और जब आपको रिकॉर्डिंग बनानी है तो ये यहाँ पर ऑन ऑफ का बटन है और ये सामने लेंस का कवर है। जब भी आपने रिकॉर्डिंग बनानी है ये कवर जो है आगे ये नीचे की तरफ होना चाहिए ताकि कैमरा दिखे, तो कैमरा दिखेगा तभी वो ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग बना पाएगा। तो रिकॉर्डिंग बनाने के लिए आप जैसे इसमें मेमोरी कार्ड डालेंगे, मेमोरी कार्ड आप अपना 16 और 32 GB का आप डाल सकते हैं। जो भी आप मेमोरी कार्ड डालोगे उसको पहले आपने फॉरवर्ड करना है, मेमोरी कार्ड बिल्कुल खाली होना चाहिए तभी आपने इसके अंदर इस्तेमाल करना है। और जैसे हमारे यहाँ पर सैंडिस्क का कार्ड हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम लोग इसको इसमें डाल के आपको चेक कराते हैं कि इसके अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे बनेगी। तो ये ऐसे जाएगा, ये वाला जो साइड है ये ऐसे रहेगा, कैमरे की बैक साइड की तरफ ऐसे रहेगा, तो ये इसके अंदर ऐसे डल जाएगा, ये इतना अंदर जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा, ये डल गया मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड डालने के बाद हमने इसको कर दिया बंद। अब ये जो ऊपर ऑन ऑफ का बटन है ये 3 स्टेप में स्टार्ट होगा, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है कैसे ऑन होगा 3 स्टेप है इसके। सबसे पहले हमने इस बटन को जो ऑन ऑफ वाला बटन है इसको 1 सेकंड के लिए ऐसे प्रेस करके रखना है। अब नीचे देखेंगे यहाँ पर ब्लू लाइट आ गई, तो ये स्टैंड बाय मोड में, अभी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, ये ऑन हो गया बट रिकॉर्डिंग नहीं हो रही अभी। तो इसी बटन को दोबारा एक बार दबाएंगे, सिर्फ एक बार प्रेस करेंगे, जैसे घर में कोई बिजली का बटन ऑन करना होता है वैसे एक बार प्रेस करेंगे, सिर्फ ऐसे एक बार प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने देखा इसमें ब्लू लाइट जो है वो 3 बार ब्लिंक होकर बंद होगी, तो 3 बार लाइट ब्लिंक होकर बंद होगी। अब ये ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, अब ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। कम से कम आप 5 मिनट की वीडियो बनाएं अगर आपने चेक भी कर रहे हैं। वैसे ये जो आपका पेन है ये 50 से 60 मिनट 50 से 60 मिनट तक की रिकॉर्डिंग आराम से करता है एक बार फुल चार्ज होने के बाद। और अब जब हमें इसको बंद करना है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है और कैमरे को ऑफ करना है, तो ये जो ऑन ऑफ का बटन है इसको तब तक दबा के रखना जब तक यहाँ पर लाइट आकर बंद ना हो जाए। ये हम लोग दबा के रखेंगे बटन को, जब तक यहाँ पर लाइट आकर बंद नहीं हो जाएगी। ये लाइट आकर बंद होगी ये रिकॉर्डिंग सेव होगी और ये आपका कैमरा ऑफ हो गया। अब आपने इस रिकॉर्डिंग को चेक करना है तो आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में ये मेमोरी कार्ड लगाकर चेक कर सकते हैं। अब 2 तरीके हैं मेमोरी कार्ड लगाने के, या तो आपके पास कोई मेमोरी कार्ड रीडर हो उसके थ्रू आप लगा सकते हो, या सीधा अपने मोबाइल में डाल सकते हो, या फिर आप इसको आप ये जैसे हमने चार्ज किया था वैसे इसको लगाकर, इस केबल को लगा के अपने लैपटॉप में लगाकर आप चला सकते हो। जब आप इसको लैपटॉप में लगाओगे चेक करने के लिए तो जैसे हमारा कोई नॉर्मल पेन ड्राइव मेमोरी कार्ड खुलता है वैसे ही एक पेन ड्राइव जैसा बना आएगा उसमें ड्राइव, तो उसको आपने ओपन करना है। उसके अंदर एक वीडियो नाम का फोल्डर होगा, उसको आप ओपन करोगे वीडियो फोल्डर को, वीडियो फोल्डर के अंदर क्लिप बने होंगे, जितनी बार आपने फाइल बनाई है क्लिप बनाता जाता है,
तो क्लिप को आपने ओपन विद VLC मीडिया प्लेयर करना है, आपके लैपटॉप या मोबाइल में VLC मीडिया प्लेयर होना चाहिए, उसके अंदर आपने इसको प्ले करना है। VLC मीडिया प्लेयर या MX प्लेयर, इन प्लेयर में ये फाइल प्ले हो जाती है। तो आप उस प्लेयर के अंदर इसको फाइल को प्ले करेंगे। और आपने एक चीज़ का ध्यान और रखना है, जब चार्ज करना है कभी भी मेमोरी कार्ड डालकर नहीं चार्ज करना। जब भी चार्ज करना है इसको मेमोरी कार्ड निकालने के बाद, जो भी आपने मेमोरी कार्ड इस्तेमाल किया हुआ है, अगर अगर अगली बार आप चार्ज कर रहे हो दोबारा से, तो पहले आपने मेमोरी कार्ड को निकाल लेना है, उसके बाद इसको चार्ज करना है। मेमोरी कार्ड लगाकर कभी चार्ज नहीं करना। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ओवर चार्ज नहीं करना, एक से डेढ़ घंटा चार्ज करना है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करना है इसको। और लाइट का हमने इंडिकेशन आपको बता ही दिया है। और कभी भी आपको इस डिवाइस में कोई दिक्कत लगे तो इसको आप चार्जिंग में लगा के, यही जो इसका लाइट वाला पॉइंट है, इसके अंदर ही रीसेट का एक पॉइंट बना हुआ है, तो आप कोई भी बारीक सा पिन लेके इस लाइट के अंदर वाला जो होल्ड है इसके अंदर डालेंगे, तो एक बटन प्रेस होगा तो ये पेन रीसेट हो जाता है अगर आपको कोई भी इशू हो। और ये जब प्रोडक्ट आपके पास आपको मिल जाए, अगर आपको कोई भी इशू हो, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस बॉक्स का और ये डिवाइस का जो फ़ोटो है इस कार्ड के साथ आप हमें भेजिए, हम लोग आपको अगर कोई भी इशू हो तो उसके लिए हेल्प करेंगे। थैंक यू।